केरल के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है कविता। कविता के पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते हैं और उसी से उनके घर का गुजारा हुआ करता है। वो लोग एक किराए के मकान में रहा करते हैं और जो कविता है वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। बचपन से ही उसका एक ही सपना है कि वो पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करे और उसके बाद अपने पिता की इस प्राइवेट नौकरी को छुड़वा दे। इसी चीज़ को सोचते हुए जो कविता है वो धीरे धीरे बड़ी होती है। इधर जो उसके पिता हैं जिस कंपनी में काम किया करते हैं उसी कंपनी में एक और व्यक्ति काम किया करता है जो कविता के पड़ोस में ही किराए पर ही रहा करता है और उनका एक लड़का है जिसका नाम है सोनू। अब कविता का पिता और सोनू का पिता एक दूसरे के अच्छे मित्र होते हैं, लेकिन जो सोनू होता है वो कविता के बिल्कुल विपरीत होता है। वह पढ़ाई लिखाई से दूर भागा करता और इधर उधर आवारा दोस्तों के साथ ऐसी घूमा करता। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के साथ साथ जो सोनू होता है वो अपने पिता की उसी कंपनी में उसके साथ नौकरी लग जाता है। इधर जो कविता थी वो ग्रेजुएशन करती है और इसी दौरान कविता के पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। अब जब कविता के पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और यह बात कविता को पता चलती है तो अपने पिता से शादी से मना कर देती है। कहती है कि पिताजी अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर पहले किसी सरकारी नौकरी को करना है और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। अब उसके पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी अब तू सयानी हो गई है और अब तुझे घर पे रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई की ही बात है तो तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी एक ऐसे घर में कराऊंगा जहां पर तेरा पति तुझे पढ़ने लिखने के लिए अलग से टाइम दे दे और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। इस बात को सुनकर कविता शादी के लिए राजी हो जाती है और उसके पिता उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढने लगते हैं जो उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी रोकथाम ना करे और उसको अच्छे से आगे की पढ़ाई पढ़ने दे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय इतने के साथ साथ यह बात सोनू को भी पता चल जाती है। अब सोनू और कविता एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे और उनके पिता अच्छे दोस्त भी थे, तो जो सोनू होता है वो मन ही मन कविता को लाइक करने लगा था और इस बारे में वह अपने पिता को बता देता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपके दोस्त की जो लड़की है कविता, उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं कविता को प्यार किया करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो सोनू के पिता है वो कहते हैं कि वो लड़की तो पढ़ी लिखी है, तू कहाँ पढ़ा लिखा है? तो वो कहता है कि पिताजी आप एक बार बात करके तो देखिए, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब बेटे की बात को मानकर जो सोनू के पिता हैं वो कविता के पिता से बात करने लगते हैं और एक शाम बैठे बैठे उसे अपने बेटे की पूरी बात बता देते हैं। इसके बाद जो कविता का पिता होता है वो कहता है कि नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो उसे आगे पढ़ा लिखा सके और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी रुकावट ना आने दे। इसके बाद जो सोनू का पिता होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार इस बारे में अपने बेटे से बात कर लेता हूं, अगर वो हामी भरेगा तो दोनों बच्चों की शादी करा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जानी पहचानी रिश्तेदार रहेगी और हमारी दोस्ती को एक रिश्ता मिल जाएगा। इस बात को सुनकर दोनों दोस्त बड़े ही खुश होते हैं और ये बातें तय हो जाती हैं। अब सोनू के पिता अपने घर आते हैं और घर आकर अपने बेटे से ये बात बता देते हैं। बेटा जैसे ही सुनता है कि कविता की इच्छा है कि वो आगे की पढ़ाई करे तो एकदम से अपने पिता से कह देता है कि पिताजी कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कमा लिया करता हूं तो इस कमाई से उसकी आगे की पढ़ाई को करवा दूंगा और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद जो सोनू का पिता होता है वो कविता के पिता को बता देता है और दोनों बच्चों की एक निश्चित मुहूर्त देखकर शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो कविता है वो कभी तो सोनू के यहाँ पे रहा करती है, कभी अपने माता पिता के पास रहा करती है, क्योंकि कविता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी तो उसे अपने माता पिता का ख्याल भी रखना पड़ता है। शादी को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से कविता के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के पेपर आ गए थे, यानी कि वो लास्ट सेम था और इसके बाद उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती। कविता अपने एग्जाम्स को देती रहती है और तभी जब उसका लास्ट वाला एग्जाम होता है उसी दिन जिस कंपनी में उसके पिता काम किया करते थे वहां से एक टूर के लिए बस जा रही थी, जिस टूर के लिए कंपनी के सभी वर्करों को बुलाया गया था और उन सभी को घुमाने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान जो कविता का पिता है वो भी घूमने के लिए हामी भर लेता है और अपना और अपने परिवार का नाम वहां पर लिखवा देता है। इधर जो सोनू था, सोनू ने भी अपना और अपने परिवार का नाम लिखवाया था और इसके बाद वो सभी कविता से कहने लगते हैं, लेकिन कविता अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी तो इसी वजह से वो मना कर देती है और कहती है कि आप लोग घूमने के लिए चले जाओ, मेरा एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को दिए बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, इसको बाद में दे लेना, फिलहाल पूरा परिवार घूमने के लिए जा रहा है तो आप भी हमारे साथ चलो। लेकिन तभी कविता ये कहती है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो काफ़ी दिन मेरे ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी दिन खराब हो, मैं जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को करके सरकारी नौकरी में लगना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने परिवार
परिवार वालों से मना कर दिया था। इधर सोनू भी उसकी बात को समझता है। दोनों परिवारों के साथ सोनू जिम्मेवारी लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी जिस टूर के लिए वो जा रहे थे और जिस बस के अंदर उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था, यानी कि सोनू, सोनू के माता पिता और कविता के माता पिता, उस बस का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के दौरान उसका पूरा परिवार उस एक्सीडेंट में मर जाता है। अब एग्जाम के दूसरे ही दिन जैसे ही कविता को ये खबर मिलती है कि उसका पूरा परिवार एक बस हादसे में मर गया है, तो इस बात को सुनकर कविता एकदम से टूट सी जाती है। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग आते हैं, उसको समझाने लगते हैं, तो वहाँ पर तो कविता चुप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक चीज़ खाई जा रही थी। बचपन से ही उसका सपना था कि उसे सरकारी नौकरी लगनी है और अपने पिता की नौकरी छुड़ानी है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिससे उसका बचपन का सपना तो टूट ही गया था, लेकिन अब उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसके दुखों को बांट सके या उसकी खुशी में कोई शामिल हो सके। इसके बाद कविता गुमसुम सी ऐसे ही घूमा करती है और घूमती घूमती एक दिन एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। उस रेलवे स्टेशन पर जाकर कविता वहां से गुजरती हुई ट्रेन को देखती है और उसके दिमाग में एक गलत बात चलने लगती है। वह सोचने लगती है कि ऐसी जिंदगी को जीने का क्या फायदा जिस जिंदगी में कोई अपना ना हो, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा ही कर लेती हूँ। वह प्लेटफॉर्म के आखिर में चली जाती है और वहां खड़ी होकर बार बार इधर उधर देख रही थी और ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी। अब उसी स्टेशन पर एक हीरा लाल चाय वाला, जो कि अच्छी चाय बनाया करता था और सभी लोग उसकी चाय के दीवाने हुआ करते थे, उस व्यक्ति की उम्र लगभग 55 साल थी और वह स्टेशन पर ही एक दुकान लगाकर चाय बेचा करता था। वह कविता को ऐसा करते हुए देख लेता है और देखते ही वह समझ जाता है कि हो ना हो ये लड़की कुछ गलत करना चाहती है। तो इसी चीज़ को भांपते हुए जो हीरा लाल चाय वाला होता है वो वहां से सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसी दौरान ट्रेन वहां से गुजरने वाली होती है। वह उस लड़की के पीछे खड़ा हो गया था और जैसे ही कविता उस ट्रेन के सामने जाने की कोशिश करती है तो हीरा लाल एकदम से उसको हाथ से पकड़कर झटक देता है और वहां से उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। अब यह बात जैसी कविता देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बाबा आपने मुझे क्यों बचाया, मैं अब नहीं जीना चाहती, मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं जीकर करूंगी भी तो क्या करूंगी। इसके बाद जो हीरा लाल होता है वो काफी उम्रदराज था और वह उसको समझाने लगता है, कहता है कि बेटी इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो और जिंदगी एक अनमोल तोहफा होता है, इसको इस तरह से बर्बाद करने का हक तुम्हें नहीं है, इसको जब चाहे ऊपर वाला लेगा, उससे पहले अगर तुम ऐसा करोगी तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। इस बात को सुनकर कविता भी थोड़ी सी शांत होती है और शांत होने के बाद जो हीरा लाल जी होते हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम ये सब कुछ करना चाहती थी। इसके बाद जो कविता होती है पूरी कहानी हीरा लाल जी को सुना देती है। वह बता देती है कि बाबा मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहती थी ताकि मेरे पिता प्राइवेट नौकरी ना करे, लेकिन एक ही झटके में मेरा पति, मेरे ससुर, मेरे सास और मेरे माता पिता सभी मुझे छोड़कर चले गए, तो अब ये दुनिया मुझे बेगानी लगती है और मैं यहाँ पे नहीं जीना चाहती। अब इस बात को देखकर हीरा लाल को भी बड़ा ही दुख होता है, लेकिन फिर वो उसे कहने लगता है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, जिंदगी में जो कुछ तुम करना चाहती हो उस काम को करो और जब उस काम को तुम कर लोगी तो अपने आप ही तुम्हारा जिंदगी जीने का मन करने लगेगा। इसके बाद कविता कहती है कि बाबा करूँ कैसे, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, इस दुनिया में जो भी मुझे सपोर्ट कर सकता था वो मुझे छोड़कर जा चुका है और अब भला मेरी मदद कौन करेगा। इस बात को सुनकर हीरा लाल उससे कहने लगता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये बता कि तुझे सरकारी नौकरी लगने के लिए क्या चाहिए। तो वो कहती है कि बाबा सरकारी नौकरी लगने के लिए मुझे थोड़ी सी कोचिंग करनी है और कोचिंग करने के बाद शायद से मेरा नंबर सरकारी नौकरी में पड़ जाएगा। तो बाबा कहता है कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे खाने पीने का, रहने का जुगाड़ मैं करा दूंगा, तू जोर शोर से अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर। उसके बाद जो हीरा लाल होता है कविता से कहता है कि बेटी अगर तुझे रहने की भी प्रॉब्लम है तो मेरा एक छोटा सा घर है उसमें तू रह लिया कर और वहीं पर मैं तेरी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़वा दूंगा। इसके बाद जो कविता होती है हीरा लाल जी के पास रहने लगती है और वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक रात को कुछ बदमाश लड़के हीरा लाल जी के घर पर आ जाते हैं और वह कविता के साथ कुछ गलत करना चाहते थे। रात के समय हीरा लाल जी का दरवाजा खटखटाया जाता है और इस बात को देखकर हीरा लाल जी समझ जाते हैं कि हो ना हो कोई गलत इरादे से हमारे घर में आया है, तो वह अंदर से पुलिस को फोन कर देते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए वहां पर आ जाती है। अब इस सभी चीजों को देखकर हीरा लाल जी समझ गए थे कि जवान बेटी को यहां पे नहीं रखा जा सकता। इसके बाद जो हीरा लाल जी होते हैं उसको कोचिंग दिलाने के लिए दूसरे शहर भेज देते हैं और वहीं पर एक गर्ल हॉस्टल में उसको रखवा देते हैं और वहीं पर उसका इंतजाम करा देते हैं। कविता वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और लगभग एक साल तक वहीं पर रहकर पढ़ाई किया करती है। हीरा लाल जी बार बार उसे पैसे भेजा करते हैं और कविता अपनी पढ़ाई में की गई प्रोग्रेस को हीरा लाल जी को बताती रहती है। हीरा लाल जी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो भी अकेले ही रहा करते थे, दरअसल उन्होंने शादी ही नहीं की थी, वह बस स्टेशन
पर चाय बेचा करते और घर पे तो वो कभी कभार आया करते थे, ने ज्यादातर स्टेशन पर ही रहा करते थे। कविता मेहनत करती रहती है और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाती है। एक दिन वो मेहनत करके स्टेशन मास्टर बन गई थी और जैसे वो स्टेशन मास्टर बनती है तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग के लिए वो चली जाती है। उन्होंने हीरालाल जी को बता दिया था कि बाबा मेरी नौकरी पक्की हो गई है और अब कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस बात को सुनकर हीरालाल जी बड़े खुश होते हैं और इसके बाद वह उसके पास पैसा नहीं भेजते हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान हीरालाल जी बिल्कुल भी कविता के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं और जैसे उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है और उसकी पोस्टिंग एक जगह पर होती है तो जिस स्टेशन पर उसकी पोस्टिंग हुई थी वहां पर जाने के बाद वह सारा मामला समझ लेती है और मामला समझने के बाद वहां से सीधा उसी स्टेशन पर आ जाती है जहां पर हीरालाल जी चाय बनाया करते थे। वह हीरालाल जी को अपने साथ लेती है और अपने साथ लेकर उस स्टेशन पर जाने लगती है जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। इधर जब स्टेशन के स्टाफ को पता चलता है कि नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई है तो वो लोग सभी उसके स्वागत के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेशन मास्टर नहीं थी। तभी थोड़ी देर में वो हीरालाल जी के साथ वहां पर आती हुई प्रतीत होती है और हीरालाल जी को देखकर रेलवे का आधा सा स्टाफ समझ जाता है कि ये हीरालाल जी कौन है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं और बातें करने के बाद सभी को ये बात पता चल जाती है कि यह व्यक्ति स्टेशन पर चाय बनाया करता है। उसके बाद जो कविता होती है हीरालाल जी को अपने साथ लाती है और वहां पर लाकर उस कुर्सी पर जिस पर वो खुद बैठती उस कुर्सी पर पहले उसे बैठाती है। हीरालाल जी उससे पूछते हैं कि बेटी ये क्या कर रही हो तुम और ये मुझे कहां ले जा रही हो, तो वह कहती है कि बाबा आज मैं एक सफल अधिकारी बन गई हूं तो वो आपकी बदौलत है और इस कुर्सी पर मुझसे ज़्यादा आपका अधिकार है। ऐसा कहकर जो कविता है हीरालाल जी को उस कुर्सी पर बिठा देती है और कहती है कि बाबा आज से आपकी बेटी एक स्टेशन मास्टर बन गई है और आज से आपको चाय बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हीरालाल जी कहते हैं कि बेटा ये चाय बेचना मेरी मजबूरी नहीं है, ये तो मेरा शौक है। वैसे मेरे पास गाँव में बहुत सारी ज़मीन है और उस पर खेती बाड़ी करके बहुत सारा रुपया पैसा मेरे पास आ जाया करता है। मैंने अपनी ज़मीन को किसी और को खेती बाड़ी के लिए दे रखा है तो साल भर में वहाँ से मेरे पास पैसा आ जाया करता है। उसी वजह से मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है, तो तुम ऐसा करो अपनी नौकरी को अच्छी तरह से करो और मैं अपने काम को अच्छी तरह से करता हूँ। उसके बाद कविता हीरालाल जी को अपने पास ही रखने लगती है जहाँ पर वो रहा करती थी और अच्छी तरह से दोनों बाप बेटी की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हीरालाल जी कविता से शादी के लिए कहने लगते हैं और कहती है कि बेटी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसे शादी कर लो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो सको। उसके बाद जो कविता होती है वो हीरालाल जी से ही कहने लगती है कि बाबा अगर आपकी निगाह में कोई अच्छा सा लड़का हो तो आप ही मेरी शादी करवा दीजिए। हीरालाल जी उनके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और उससे उनकी शादी करा देते हैं। कविता भी खुशी खुशी उस लड़के के साथ शादी करती है और उसके साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की, जिस लड़की का पूरा परिवार एक हादसे में चला गया लेकिन उसके बाद एक चाय वाले अंकल ने उसकी मदद की और वह एक सरकारी नौकरी लग गई। आप क्या कहना चाहते हो कविता के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो हीरालाल जी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।